टू टेरियाज क्रिएशन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला ओट्स। इस तरह से अगर आप मसाला ओट्स बनाएंगे तो आप इंस्टेंट मसाला ओट्स भी भूल जाएंगे। तो बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। इंग्रेडिएंट्स पहले देख लेंगे हम। इसके लिए हमें पहले चाहिए 2 चम्मच तेल, हींग चाहिए आधी छोटी चम्मच, आधा छोटा चम्मच हमें चाहिए मस्टर्ड सीड्स, 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स, उसको मैंने कूट लिया है, नमक स्वाद अनुसार। मसाले में चाहिए हमें धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे से थोड़ा कम गरम मसाला, यहाँ पे मैंने रामदेव गरम मसाला लिया हुआ है, और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 कप मैंने ओट्स लिए हुए हैं, और वेज में मैंने लिया हुआ है 1 बड़ा ऑनियन, 1 मीडियम साइज का टमाटर, और 2 हरी तीखी मिर्च, और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए कोरिएंडर लीव्स। तो बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। पहले पैन में हम तेल डालेंगे। तेल आ जाने के बाद इसमें हम सरसों के दाने ऐड करेंगे। इसमें हम हींग डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम प्याज टमाटर सब डाल देंगे और इसको भून लेंगे हम। आप चाहें तो बिना तेल के भी बना सकते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, इसलिए मैं 2 हरी मिर्च लिए, प्लस में गरम मसाला और लाल मिर्च भी लिया हुआ है। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूंगी। हमें बहुत सौते नहीं करना है। इसी टाइम पे मैं अपनी ये गार्लिक की पेस्ट डालूंगी अंदर। ट्रस्ट में गाइस, ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है, एक बार प्लीज ट्राई कीजिएगा। इसको मैं मिक्स कर लूंगी। अभी मैं अपने सारे मसाले डाल दूंगी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये गरम मसाला। रामदेव के गरम मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इंस्टेंट मसाला ओट्स भी भूल जाओगे गाइस, प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। अभी मैं नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। अभी मैं अपने ओट्स डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अभी इसी टाइम पे मैंने 1 कप ओट्स लिए थे, तो 2 कप मैं पानी डालूंगी, इसको मिक्स कर दूंगी मैं, और 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। तो थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 कप पानी लिया हुआ है इसमें। मैं इसको लीड कवर करके 2 मिनट तक पकने रख दूंगी। देख
देख सकते हैं कि ये ओट्स बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे कोरिएंडर लीव्स, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको सर्व करेंगे। इसको मैंने घर के बने हुए खट्टे दही के साथ में सर्व कर रही हूँ, ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। लीजिए, रेडी है हमारे मसाला ओट्स, ये टेस्ट में बहुत ही यमी है। इसको मैंने घर के बने हुए खट्टे दही के साथ सर्व किया है। प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, और कोई भी चीज़ आप मेरे टेस्ट के हिसाब से बनवाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं वो उसके ऊपर ज़रूर से वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच, मैं जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।